गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, बिकॉज आज की वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नो मेकअप ब्रशेस चैलेंज, यानी कि जो मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करूंगी विदाउट एनी ब्रश, मतलब किसी भी ब्रश की हेल्प से मैं वो मेकअप लुक क्रिएट नहीं करूंगी, सिर्फ अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूं। तो गाइस मैंने सोचा कि काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ मेकअप पर, बट मैं कुछ ऐसी चैलेंजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो एक्चुअली, और मुझे भी कुछ अलग करने में मज़ा आए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक चैलेंज शेयर करूं, जिसमें मैं आपके साथ नो मेकअप ब्रश चैलेंज शेयर करूं। तो गाइस देखिए, पता नहीं आज का मेकअप कैसा होने वाला है, बिकॉज मैंने कभी अपनी फिंगर की हेल्प से, हाँ फिंगर की हेल्प से मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया है, लाइक थोड़ा सा आउटर अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने किए हैं। बट हाँ, आई शेडो अप्लाई करना या फिर फाउंडेशन की जो फिनिशिंग आती है गाइज, वो एक ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप मतलब फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही आती है, बट फिंगर्स की हेल्प से पता नहीं कैसी फिनिशिंग आएगी, आई डोंट नो। तो देखते हैं आज का मेकअप लुक क्या होने वाला है, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है कि मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है फेस वॉश की हेल्प से। तो सबसे पहला स्टेप है मॉइस्चराइजर, अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जॉय का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। मॉइस्चराइजर तो मोस्टली अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करते हैं। सो गाइस मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी सीरम, बिकॉज विंटर्स का टाइम है तो सीरम मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी। सो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी प्राइमर। प्राइमर भी ऑब्वियसली हम अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करते हैं, तो प्राइमर मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगी। एंड गाइस प्राइमर जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, NYB का प्राइमर यूज कर रही हूँ। जहाँ भी हमारे फेस पर ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पर इसे अप्लाई कर लेना है। सो प्राइमर यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी गाइस, अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी, बिकॉज अगर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी देन उसके बाद में ब्राउज को फिल करूँगी तो वो बिल्कुल फॉल आउट हो जाएगी और मैं उसे कवर नहीं कर पाऊँगी। सो इसलिए मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी। तो गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपनी फिंगर की हेल्प से ब्राउज को फिल करना, तो जेल फिलिंग से ब्राउज को फिल नहीं करूंगी, बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छे से फिल नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर आज अपना डार्क शेड का आई शेडो अप्लाई करूंगी, डार्क ब्राउन शेड का, जिससे कि मैं अपनी ब्राउज को अच्छे से सेट कर लूंगी अपनी फिंगर की हेल्प से। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से फिल हुई है, एक्चुअली फिल नहीं हुई है क्योंकि मेरी ब्राउज की ग्रोथ ही थोड़ी ठीक है, और मैंने हाथ थोड़ा कवर अप कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ब्राउज को फिल कर लिया है अपने फिंगर की हेल्प से, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। सो गाइस फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, और मैं इसे अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। मैंने फाउंडेशन ले लिया है, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस मैं कुछ भूत से कम नहीं लग रही हूँ, पता नहीं कितना इजी होगा या कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मैं इसे नेक्स्ट भी अप्लाई कर लूँगी, ये मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। और सीरियसली बताऊँ गाइस ये काफ़ी केकी है, एक्चुअली ये ब्लेंड नहीं हुआ है उतने अच्छे से, तो जो काफ़ी जगह पर ये इकट्ठा हो गया है। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसे अच्छे से ब्लेंड करने की, बट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से क्या होता है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ब्यूटी ब्लेंडर का एक बेनिफिट ये होता है कि ब्लेंडर जो होता है वो उतना ही फाउंडेशन हमारे फेस पर अप्लाई करता है जितना हमारे फेस को नीड होती है, बाकी वो अपने अब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाउंडेशन तो मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बट हाँ काफ़ी केकी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है, एक्चुअली बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आई है। तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी कंसीलर। सो कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा वेस्ट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो
तो इसमें से शेड लेकर मैं अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर लूंगी अपनी फिंगर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है अपने अंडर आई एरिया पर, और गाइस देखिए बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, कहीं पर ज़्यादा अमाउंट लग गया है, कहीं पर कम अमाउंट है, और कहीं पर तो लगा ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसीलर हमने अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करूँगी मैं कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, और इसे भी मैं फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरीके से, तो देखिए गाइस ये फिंगर्स ऐसे छप रही है मेरे फेस पर। और ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा है। एक्चुअली ब्रश की हेल्प से क्या होता है, हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, पूरे में स्प्रेड कर देते हैं, बट फिंगर की हेल्प से क्या हो रहा है, जितना भी अमाउंट मैं ले रही हूँ और अपने फेस पे लगा रही हूँ तो वो वहीं पर ही लग रहा है इस तरीके से, बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फिंगर की हेल्प से अपने बेस को सेट करना। सो गाइज मैंने अच्छे से अपने बेस को सेट कर लिया है पाउडर कॉम्पैक्ट की हेल्प से। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लेट सी, फिर लेकर उसे अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। ये फिंगर की हेल्प से मैंने ये कुछ इस तरीके का शेड लिया है और मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पर। फिंगर से क्या हो रहा है गाइस, जो हमें आउटर वी शेप जो यहाँ पर क्रिएट होता है वो नहीं हो रहा है। सो मैं इसे अपनी सेम दूसरी आई पर भी अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ये शेड अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं एक शिमरी शेड लूँगी, ऑरेंज शेड लेती हूँ मैं यहाँ पर शिमरी, और इसे अप्लाई करती हूँ अपने आईलेड एरिया पर। जब आईलेड पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से, गाइज देखिए मैंने इसे अपने इनर कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और गाइज फिनिशिंग का तो यहाँ पर पूछो ही मत, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। जैसा भी जहाँ भी अप्लाई हो पाया है मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड कुछ इस तरीके का आई मेकअप क्रिएट हुआ है, लुक कंप्लीट हो गया है मेरा यहाँ पर। और अब मैं अप्लाई करूँगी लाइनर। सो लाइनर तो गाइज मैं अपनी फिंगर की हेल्प से तो हम लाइनर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस जो लाइनर का ब्रश होता है उसी की हेल्प से अप्लाई करूँगी। सो गाइज लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपनी लोअर लैश पर भी आई शेडो का शेड अप्लाई कर लूँगी। अब नेक्स्ट गाइज यहाँ पर मैंने अपने लोअर लैश पर भी अप्लाई कर लिया है, तो ये मैं कॉन्टोर अप्लाई करूँगी। सो कॉन्टोर मैंने यहाँ पर ये ब्लेंड होता है कि नहीं, सो या गाइज ब्लेंड तो हो रहा है काफ़ी ईजी। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, एंड ब्लश भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस देखिए इतनी अजीब लग रही हूँ, भूतनी से कम नहीं लग रही हूँ मैं इस टाइम पर, बिकॉज बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है ब्लश, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भी लग गया है। सो या गाइस यहाँ पर ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है। अब है लिपस्टिक अप्लाई करना। तो गाइस लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ, बट फिंगर की हेल्प से, बिकॉज ये जो लिपस्टिक का है वो ब्रश वाली लिपस्टिक है, लिक्विड बुलेट लिपस्टिक एक्चुअली मेरे पास नहीं है। सो गाइस लिपस्टिक मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली अपनी फिंगर की हेल्प से, और देखिए किस तरीके की लिपस्टिक अप्लाई हुई है। एंड अब लास्ट है यहाँ पर अपने फेस पर मेकअप फिक्सर अप्लाई करना। बट मेकअप फिक्सर गाइज हैंड मतलब हाथों की हेल्प से, लेट्स ट्राई। एंड मैं इसे अपने हाथों पर, सो या गाइज मेकअप फिक्सर मैंने अप्लाई कर लिया है, और उतने अच्छे से तो नहीं बैठा, काफ़ी हद तक अप्लाई हो गया है फेस पर। एंड हाँ मश्कारा तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी। लास्ट है हाइलाइटर अप्लाई करना। हाइलाइटर तो फिंगर की हेल्प से अप्लाई हो जाएगा इजीली। सो या हाइलाइटर अप्लाई हो गया है काफ़ी अच्छे से। तो या गाइस ये है मेरा फाइनल लुक।
सो गाइस मुझे नहीं लगता कि ये मेकअप लुक बहुत अच्छा है, बिकॉज विदाउट ब्रश की हेल्प से इतने अच्छे से हम कोई भी मेकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लेंड ही नहीं होगा उतने अच्छे से। तो मेक जो चैलेंज था वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो मेकअप चैलेंज है वो आपको कैसा लगा, एंड जो मेरा मेकअप लुक है मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट प्लीज़ आप भी कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको ये मेकअप लुक लगा। आईज़ का जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिंगर से अच्छे मैंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की। एक्चुअली मैंने जो क्रिएट करने की कोशिश की थी और जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल अपोजिट है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक इससे ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी, एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहेंगी, और इस तरीके की चैलेंजिंग वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू टिप्स के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।